मैं भावना चंद रुद्रा न्यूज से, मैं मौजूद हूँ DSTA के इलेक्शन के लिए और मेरी बातचीत हो रही है महेश जिंदल जी से। तो आइए उनसे जानते हैं कि उनकी क्या पॉलिसीज हैं। हाँ जी, तो सर बताइए अभी क्या पॉलिसी इलेक्शन के लिए। हमारी पॉलिसी एजेंडा है, हमारा विजन है भी, हमने क्या क्या काम जो मार्केट के हैं जिससे कि मार्केट का सुधार हो और अच्छे स्तर पर ये मार्केट जाए, हम वो चाहते हैं। जैसे यहाँ पर यातायात की बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है, पहले तो उसको आसान बनाया जाए। वो आसान बनाने का एक ही तरीका है, पटरियाँ जो इतनी चौड़ी चौड़ी बना दी है, हम अपनी बात अपनी सरकार के पास रखेंगे और उसको छोटे से छोटा कराने की कोशिश करेंगे, जिससे कि पैदल चल सके, हमारी गाड़ियाँ भी आना जाना शुरू हो सके। दूसरा, हमारे जो प्रॉब्लम है थोड़ी, हमारी बिल्डियों को लेकर प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ पर गुंडागर्दी चल रही है ट्रांसपोर्ट वालों की, वो गुंडागर्दी हम ख़त्म करना चाहते हैं। वो गुंडागर्दी क्या, कोई ट्रांसपोर्ट ऊपर से हमारे को बिल्डिंग के ऊपर कोई नहीं लिख के देते, वो 10 रुपये 20 रुपये कोई 250 रुपये वो ले लेते हैं हमारे से, वो हम बंद करवा देंगे उसको। हमारा वादा है इनसे किया, व्यापारियों से हमने, और उसके बाद जो भी GST की समस्या है, कोई डर का माहौल है, कोई पुलिस का है, वो हम सब लोगों को मिलकर ऐसा काम करेंगे जिससे कि मार्केट की समस्या को मिनिमाइज़ किया जा सके। धन्यवाद। जगह जगह प्रचार कर रहे हैं, व्यापारियों से कैसा समर्थन मिल रहा है आपको? व्यापारियों से जैसे कि हमारे साथ चल रहे हैं, समाज के हर वर्ग से हमारे को, वर्ग है, बिरादरियाँ हैं, सारी बिरादरियाँ हमारे को समर्थन दे रही हैं। और हमारी सबसे बड़ी बात है, जितने भी हमारी संस्था में पूरा प्रधान रहे हैं, जो कि एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर हैं, चाहे वो जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, सब हमारे साथ हैं। ये बहुत बड़ी जीत है हमारी कि हर बंदा हमारे को अपना एक्सपीरियंस देना चाहता है, और इतने एक्सपीरियंस हमारे पास हो तो काम करने की वैसी दिक्कत नहीं आ सकती कभी भी। जी, व्यापारियों से क्या बोलना चाहेंगे चुनाव को लेकर, खासतौर से क्या अपील करना चाहेंगे? हम ये अपील करना चाहेंगे भी ऐसी हमारी स्वच्छ छवि वाले और सफल दुकानदार हैं सब जो हमारे साथ हैं, किसी को कोई लालच नहीं है सीट पर बैठने का, सबको एक अंदर तड़प है, अंदर भी हमने काम करना है और मार्केट के स्तर को ऊंचा लेके जाना है। यही अपील है भी हमारे को, सभी लोग वोट देंगे और सभी लोग हमें चुनकर लेकर आएंगे तभी हम सेवा कर पाएंगे। सर अंतिम सवाल, कोरोना काल के अंदर व्यापारी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहा, अर्थव्यवस्था काफ़ी ज़्यादा डाउन हुई, वापस पटरी पर लाना कितनी बड़ी चुनौती होगा इस टीम के लिए? चुनौती तो है ही है ये हमारे लिए, लेकिन उसी चीज़ के लिए है, सबसे बड़ी बात है, हम इस हिसाब से काम करना चाहेंगे भी जो बाहर से व्यापारी आता था उसका डर का माहौल था, कोई यहाँ पर हम उसका पैसा ना छीन ले या ना छीन दे, कुछ यातायात में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो ऐसा काम करेंगे भी जिससे कि व्यापारी को कोई अट्रैक्शन करेंगे भी हमारी मार्केट में आए और हमारी की मार्केट से बाहर की मार्केटों से पैसा हमारे यहाँ आए और हमारी मार्केट का स्तर अपने आप ऊपर हो जाएगा। तो ये थे महेश जिंदल, इनकी बातों से लगता है कि काफ़ी कॉन्फिडेंट है और व्यापारियों के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें लाएंगे। तो देखते हैं आगे इसी तरीके से चलते रहेंगे और बाकी उम्मीदवारों से भी मिलते रहेंगे। मैं भावना चंद रुद्र न्यूज से। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।